एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। दिस इज योर एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। बाबुओं के सीमेंट है आपके सामने खड़े होते कुछ बोलना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दो तीन बातें मुझे पता है टाइम काफी हो गया, दो तीन बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो जो आज के थीम में दिखाया गया था वृद्धाश्रम वाला, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस वाला, खुद का आपने से बहुत से छोटे बच्चों को इसका पता ना चला और बड़ी ये हमारे समाज की एक बहुत ही खराब कुछ स्थिति ऐसी है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ज्यादातर के साथ नहीं होता। तो हमें यही ख्याल रखना है, हमें अपने आदर्श अपने इतने ऊंचे रखने हैं और वो तभी हो सकता है जिंदगी में हम सबसे ज्यादा महत्व अपने पेरेंट्स को दें, उनकी बात सुने, वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप मेरे जितने बड़े हो जाएंगे तब भी आपके पेरेंट्स आपका हमेशा भला ही चाहेंगे। और दूसरा नंबर आपके टीचर्स जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो आपको विद्या दे रहे हैं, आप आगे चल के जितने भी बड़े हो जाएंगे अपने टीचर्स का जो ऋण है, जो टीचर्स का जो आपने इनसे पढ़ के जो लोन लिया जिंदगी भर नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो ये लोग अगर आप ये आपके पिलर हैं, आपकी लाइफ के पिलर हैं, आपके माँ बाप और आपके टीचर्स, इनकी जिंदगी में हमेशा इज्जत करनी है और ये जो आपको वैल्यूज देते हैं उनको संभाल के रखना है। दूसरा आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से जो मास्क लगा के बैठा था अब मैंने उनसे मास्क नहीं उतार दिया, तो इससे मुझे दो पॉइंट याद आते हैं। डिसिप्लिन, आई एम द एसेट मैनेजर है पूरे इलाके का, मैं तो ये सबसे सीनियर आदमी हूँ, स्कूल का विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अभी जहाँ मैं पढ़ा हूँ मेरे आसपास कोई नहीं है, जब तक मैं वहाँ थोड़ा सा लोगों के साथ बैठा था तो मैंने मास्क लगाया हुआ था। एक रीज़न ये है कि हमें डिसिप्लिन भी अभी छोड़, डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि टाइम पे उठना टाइम पे सोना, डिसिप्लिन का मतलब डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम। जो बाकी है पंक्चुअलिटी है या अच्छे से ड्रेस पहनना है, क्लास में चुपचाप बैठना है, पढ़ना है, वो सब डिसिप्लिन अलग टाइप का डिसिप्लिन है। मैं लाइफ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिटीजन, एज ए सिटीजन विद हाई सिविक वैल्यूज, वो आपको बनना है। आपको आम आदमी नहीं बनना है कि जो सड़क पे चलते हुए भूख देता है या गंदगी में जाता है या हमारे समाज के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, वो हमें नहीं बनना है ना। उसमें कोई ऐसी अगर आप रूल तो कोई बात है तो कोई दादागिरी वाली बात नहीं है, कोई बहुत अचीवमेंट की बात है, वो बहुत खराब बात है। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पोजिशन, अपना डिसिप्लिन रियल लाइफ में मेंटेन करिए। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, मैं